प्रूफ दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। जैसे स्टील और रबर में कौन सा ज्यादा इलास्टिक है बताओ? हैं? रबर ज्यादा इलास्टिक। इलास्टिक इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होती है? जो ज्यादा पोज करेगा अपने चेंज इन शेप साइज का ज्यादा पोज करेगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो, ये हमने बताया। तो बताइए रबर ज्यादा पोज करता है कि स्टील? स्टील। इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा हो? स्टील। तुम तो रबर कह रहे हो, स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि स्टील अपोजेस मोर एनी चेंज इन शेप एंड साइज। स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके शेप साइज में बदलने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब ये अपने चेंज इन शेप साइज का ज्यादा फोर्स कर रहा है, अपने चेंज इन शेप साइज का क्या कर रहा है तो ज्यादा फोर्स कर रहा है ना। तो किसी बॉडी कोई बॉडी जितना ज्यादा फोर्स करेगी अपने चेंज इन शेप एंड साइज का, वो बॉडी उतने ज्यादा उस बॉडी का मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, उस बॉडी मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा ना। स्टील स्टील कोई बॉडी स्टील की बनी है और रबर की बनी है ना, तो अगर हम चेंज लाना चाहते हैं सेम मैन्युफैक्चरिंग चेंज लाना चाहते हैं तो स्टील में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और रबर पर कम लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब स्टील जो है अपने होने वाले चेंज इन शेप साइज क्या करें ज्यादा फोर्स करें। अगर कोई बॉडी ज्यादा फोर्स करती है तो कहते हैं कि बॉडी ज्यादा फोर्स करती है, कम फोर्स करती है तो बॉडी कम है ना, ठीक है। तो चलिए हमको प्रूफ करना है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो मानते हैं कि एक स्टील वायर है, ठीक है, और एक रबर वायर है, बोथ हैव सेम डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या है एक ही ना, बोथ हैव सेम लेंथ एंड सेम वेट, सेम क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और लेंथ सेम है, ये लेंथ इसका ले लेते हैं स्टील, ये मानते स्टील है, इसकी लेंथ की इनिशियल लेंथ एल आर, ठीक है, रबर वायर है और इसका रबर का ये रबर वायर है तो इसका लेंथ एल आर ले लेते हैं, स्टील है तो इसकी लेंथ एल एस ले लेते हैं, एल एस इसको रियल है और एल आर इसको रियल है। अब हम क्या करते हैं दोनों पर फोर्स लगाते हैं, दोनों क्या करते हैं सेम मैग्नीट्यूड का लोड हाई कर देते हैं, अगली सेम फोर्स लगाते हैं, जब सेम फोर्स लगाएगा तो देखिएगा जैसे स्टील है इस पर हम फोर्स लगाएंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन इट लेंथ इंक्रीजेस, इसकी लेंथ क्या होगी बढ़ेगी ना। तो मानते हैं इसकी लेंथ में कितना चेंज होता है, एल एस होता है, कितना चेंज होता है, ये इनिशियल लेंथ है ना। अब सर आपने फोर्स लगा दिया तो लेंथ कितना हो गया एल एस बढ़ जाएगा ना। अब रबर पर जब फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, ये रबर वायर, रबर पर जब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, इसकी लेंथ क्या होगी बताओ, है जैसे रबर पर फोर्स लगा दे, रबर स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रहे हैं और स्टील स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रहे हैं तो किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, स्टील की ज्यादा बढ़ेगी, है रबर की बढ़ेगी, तो क्या ये दोनों ऐसा होगा एक ऐसा होगा, स्टील तो बता रहे हैं, तो रबर में ज्यादा लेंथ इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी ना रबर वाले, ठीक है। तो चलिए यंग मॉडल्स की इसके स्टील के लिए लिखते हैं और रबर के लिए लिखते हैं, दोनों कंपेयर करेंगे क्योंकि यंग मॉडल्स से ही इसकी इलास्टिसिटी पता चलेगी, इससे इलास्टिसिटी आप पता चलेगी यंग मॉडल्स से। यंग मॉडल से आप स्टील कितना हो जाएगा बताओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्रॉस सेक्शन ले लिया दोनों का सेम मान है, इसकी क्रॉस सेक्शन ले लिया ये, इसका भी क्रॉस सेक्शन ले लिया ये ना, ठीक है। तो यंग मॉडल्स ऑफ स्टील वायर क्या हो जाएगा बताओ, एफ बाई ए अपॉन एल एल स्टील अपॉन एल स्टील, तो वाई एस इसको कितना हो जाएगा एफ एल एस अपॉन एल एस स्टील ना, तो हो जाएगा एफ एल अपॉन एल एस ए, ये वाई स्टील है ना। वाई नंबर कितना होगा, वाई नंबर जो है
f by a upon l rubber upon f, तो y rubber कितना होगा, f into l, l rubber into a, है ना। आप दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, कंपेयर करना, डिवाइड कर लेते हैं, स्टेट m modulus of stick को m modulus of rubber से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा बताओ, जब इसको डिवाइड करिएगा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, जब इसको डिवाइड करेंगे तो y stick अपॉन y रबर, इसको क्या होगा, f l अपॉन l स्टील अपॉन l, ये हो जाएगा f l l r रबर इनटू ये, ना f l से फिर ये हो गया f l अपॉन l s l, ठीक है, l r अपॉन f l, f l से फिर कैंसिल हो जाएगा, s a कैंसिल हो जाएगा, तो l r अपॉन l s l, ठीक है, y s अपॉन y r, ना, ठीक है, तो देखिए l r is greater than l s, increase in rubber wire will be more than increase in length wire, ना, और steel wire, increase in rubber wire, increase in length in rubber wire is greater than increase in length in steel wire, ना, increase in length of the rubber wire की length में तो increase होगा, स्टील वायर के कंपेरिजन में ज्यादा होगा ना, ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रबर वायर इज मोर देन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर, ये तो एल आर इज ग्रेटर देन एल एस, एल आर इज ग्रेटर देन एल एस हो जाएगा ना, यहां से एल आर अपोज साइड हम एल एस से डिवाइड कर देते हैं, एल आर अपॉन एल एस इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा वाई एस, वाई एस अपॉन वाई आर एज ग्रेटर देन वन हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका वाई एस एज ग्रेटर देन वाई आर, वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर मिलेगा ना, मैंने एम मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन एम मॉडुलस ऑफ रबर, एक्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन एम मॉडुलस ऑफ रबर, ये मिल गया ना, तो इट मीन्स स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे क्या रिजल्ट मिला बताओ, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये ना, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ डेट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये प्रूफ हो गया ना। अच्छा अब इसी में हम आपको यूनिट बता देते हैं, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज सेम एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए यंग मॉडुलस के लिए आपने क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, तो आर टाइप ऑफ मॉडुली मॉडुलस हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेम एज प्रेशर, ना ये प्रेशर का भी होता है, ठीक है, तो देखिए तो y को कितना है बताओ, एम जी एल अपॉन ए इंटू ए, अब इसे मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बताओ, मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एम होगा, g एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी है, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटी माइनस टू ना, और ये क्या है l है, और नीचे क्या हो जाएगा, एरिया का एल स्क्वायर हो गया, लेंथ का एल हो गया ना, अब इसको सिंप्लीफाई करें क्या मिलेगा, एम एल ना, देखिए इन मल्टीपी एल से एल इन मल्टीप्लीकेशन ऑन सेम वे फॉर आइडे, तो देखिए एल की एक और यहाँ पर है, एक और यहाँ पर है, तो वन प्लस वन हो गया ना, और इन डिवीजन ऑन सेम वे फॉर सब्ट्रैक्टेड, तो देखिए एल की दो पावर है नीचे, तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगा, एक और यहाँ पर है तो माइनस वन हो जाएगा ना, अब क्या बचता है, टी बचता है, टी रेट पावर माइनस टू, इस टाइप क्या मिलेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला प्रेशर ना, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, तो मॉडुलस या मॉडुलस मॉडुलस हैज सेम डायमेंशन एंड यूनिट एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, इसकी यूनिट जो है आप न्यूटन न्यूटन मीटर माइनस टू, सेम प्रेशर ना, ठीक है, और इसको किस से मेजर करते हैं, पास
पास्कल में, न्यूटन मीटर माइनस टू क्या कहते हैं पास्कल। इस टाइप से नियम बाटलर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन मीटर माइनस टू आर पास्कल। ठीक, चलिए कॉपी करिए, राइट डाउन कॉपी करिए, आगे नेक्स्ट हेडिंग बोलेंगे।